हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। ओजस हेल्थ केयर के इस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज जिस विषय पर हम बात करना चाहते हैं वह विषय है कि ऐसी कौन सी गलतियां हैं जो कई बार यंग गर्ल्स अपने लाइफ टाइम में करती हैं, जो कि आगे चलकर उन्हें इनफर्टिलिटी की परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके दो या तीन मुख्य कारण होते हैं जो कभी कभी यंग गर्ल्स को नहीं पता होता या उसके बारे में वो जागरूक नहीं होती हैं, और उसकी वजह से उन्हें भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसमें जो सबसे मुख्य कारण है या सबसे पहला जो कारण है वो है अनचाहे अबॉर्शंस। कई बार ऐसा होता है, महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं, वो फिलहाल प्रेगनेंसी नहीं चाहती हैं, लेकिन अगर वो प्रॉपर प्रिकॉशन नहीं रख रही हैं तो कभी कभी वो अनचाहे गर्भ से परेशान हो सकती हैं, या कभी कभी अनचाहा गर्भ ठहर सकता है जिसका उन्हें टर्मिनेशन के लिए जाना पड़ता है। टर्मिनेशन मेडिकल हो सकता है, सर्जिकल हो सकता है, लेकिन कोई भी मेडिकल टर्मिनेशन के कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, कुछ परेशानियां हो सकती हैं जो कि भविष्य में किसी भी महिला के लिए प्रेगनेंसी आने के चांसेस को कम कर सकती हैं। इसलिए इस बात को विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई महिला अभी फिलहाल प्रेगनेंसी नहीं चाह रही हैं तो उन्हें अपने सेक्सुअल कॉन्टैक्ट के दौरान बहुत ही ज़्यादा अवेयर रहना चाहिए इस बात के लिए कि कोई भी अनचाही प्रेगनेंसी या अनचाहा गर्भ न ठहरे जिससे कि उन्हें अबॉर्शन के लिए जाना पड़े। उसके अलावा जो दूसरा मुख्य कारण है जो कि कभी कभी आगे चलकर इनफर्टिलिटी की वजह बनता है वह है जननांगों का इन्फेक्शन, या जिसे कि हम अपनी भाषा में पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस कहते हैं। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस का एक बहुत बड़ा कारण होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, या वो बीमारियाँ जो कि एक दूसरे से सेक्स के दौरान ट्रांसफर हो सकती हैं। और ये बीमारियाँ कई बार यूट्रस और ट्यूब्स में इन्फेक्शन की वजह बनती हैं जो कि आगे चलकर गर्भ ठहरने के लिए दिक्कत कर सकती हैं। तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि अगर महिलाएं सेक्सुअली एक्टिव हैं, प्रेगनेंसी नहीं चाह रही हैं, तो उन्हें गर्भ निरोध के ऐसे तरीकों का इस्तेमाल करना चाहिए जो कि उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस से भी बचाते हैं, जिसमें कि बैरियर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स सबसे ज़्यादा उपयोगी होते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा जो तीसरा मेन कारण आता है जो कि कभी कभी महिलाएं अपने यंग डेज में इग्नोर करती हैं और आगे चलकर उन्हें इसका खामियाजा इनफर्टिलिटी के रूप में भुगतना पड़ सकता है, उसमें सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है इरेगुलर पीरियड्स, पीरियड्स के दौरान दर्द या पेट के निचले हिस्से में लगातार रहने वाला दर्द। ये दर्द ज़्यादातर यूट्रस या ओवरीज के इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, और कई बार ये इन्फेक्शन खतरनाक हो सकते हैं जो कि यूट्रस के साइड में होने वाले ट्यूब्स में इन्फेक्शन की वजह बनकर उसमें रुकावट कर सकता है जो कि भविष्य में प्रेगनेंसी आने में दिक्कत करते हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर कोई यंग गर्ल इरेगुलर पीरियड्स से परेशान है, पीरियड्स के दौरान दर्द बहुत ज़्यादा है, या फिर पीरियड्स में फ्लो बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, और ऐसी कंडीशन में अगर वो लगातार कई महीनों तक रहती हैं तो ज़रूर उन्हें अपने डॉक्टर को दिखाकर अपना चेकअप कराना चाहिए, और उसके लिए जो भी ज़रूरी इलाज हो उसको प्रॉपरली फॉलो करना चाहिए। इसलिए इन कुछ छोटी बातों का ध्यान रखकर महिलाएं अपने परिवार को पूरा करने में अपना योगदान पूरी तरीके से दे सकती हैं और अपनी सेहत का भी अच्छा ध्यान रख सकती हैं। इसलिए जागरूक रहिए, स्वस्थ रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।